अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की हमारी वीडियो है कि अपने जेनेक्स असिस्टेंट को हम रजिस्टर्ड कैसे करते हैं। जाहिर बात है, ये एक पेड टूल है जो कि हमें हवावे प्रोवाइड करता है और हवावे ही इसका लाइसेंस प्रोवाइड करता है। तो इसको हम लाइसेंस कैसे करते हैं? फ़र्ज़ कर लें, ये जो मेरा जेनेक्स असिस्टेंट है ये इस वक्त लाइसेंस नहीं है, इसका यहाँ पे कोई ऑप्शन भी हमारा वर्क नहीं कर रहा। तो इसको हम लाइसेंस करने के लिए अपने वेंडर को अपना ESN नंबर, यहाँ से हम टूल पे जाएंगे। अपर मेन्यू से टूल में जाने के बाद व्यू ESN करेंगे और ESN को कॉपी करके अपने वेंडर को भेजेंगे। जो हम ESN कॉपी करके अपने वेंडर को भेजेंगे, उस ESN कोड के ऊपर हमारा जेनेक्स लाइसेंस होता है और ये ESN कोड हर सिस्टम के अंदर एक अलग जनरेट होता है। तो वो हमें टैब फाइल की सूरत में हमें लाइसेंस भेजता है, जिसको हम अपडेट करते हैं। यहाँ से यहाँ पे क्लिक करने के बाद टूल में जाते हैं, अपडेट लाइसेंस में जाते हैं और लाइसेंस फाइल को हम उठाते हैं। ये मेरे पास यहाँ पे ये असिस्टेंट और प्रोब की लाइसेंस फाइल पड़ी है। तो मैं यहाँ असिस्टेंट 6 की जो डेट फाइल है, DAT फाइल, इसको मैं यहाँ से उठाऊंगा और ये कह रहा है लाइसेंस अपडेटेड सक्सेसफुली, असिस्टेंट विल रीस्टार्ट। यहाँ से इसको ओके करूँगा तो ये मेरा असिस्टेंट जो है वो बंद हो जाएगा और दोबारा ओपन होगा। इस तरीके से ये जो मेरा असिस्टेंट है वो रजिस्टर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा असिस्टेंट बंद हो चुके हैं, अभी दोबारा ओपन हो रहा है और इसके बाद हम इसके लाइसेंस की इन्फो कैसे चेक करते हैं, आया कि ये लाइसेंस हुआ है या नहीं हुआ, उसके लिए भी हम टूल में जाते हैं और लाइसेंस इन्फो में जाने के बाद हम चेक करते हैं कि हमारा असिस्टेंट लाइसेंस हुआ है या नहीं हुआ। तो यहाँ पे इसकी सारी इंफॉर्मेशन आ रही है और एक्सपायरी डेट है लाइसेंस की 10/1/2023। तो ये इसके बाद मुझे दोबारा लाइसेंस करवाना पड़ेगा। क्रिएशन डेट यहाँ पे इसने दे दी है 11/12/2022, 11/12/2022 से 10/1/2023 तक का ये मेरा लाइसेंस है, उसके बाद मुझे रीन्यू करवाना होगा। इसी तरह मेरा प्रॉब का भी लाइसेंस इसी तरीके से होता है, प्रॉब्स की भी वीडियोस पड़ी हुई हैं, उसके अंदर मैंने तरीका बताया हुआ है कि किस तरीके से आप उसको लाइसेंस कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में।